अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। आई डिड मास्टर्स इन प्लास्टिक सर्जरी फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। करंटली मैं एज अ सीनियर रजिस्ट्रार प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट न्यू हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। जो आज मैंने टॉपिक चूज़ किया जिसमें मैं बात करूँगा वो है हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जिसके बारे में लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं और उसके बारे में उन्हें बहुत सारी गलत मालूमात ऑनलाइन मिल रही हैं। मैं उसके बारे में बात करूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब आपका एलोपेशिया होता है, हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल नहीं, हेयर लॉस होता है, तब आपको जो है हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो दो तरह का होता है, FUT एंड FUE। जो ओल्ड टेक्निक थी वो FUT है, जो न्यू टेक्निक है वो FUE है। ओल्ड टेक्निक स्कार टेक्निक, जिसमें टांके लगते थे, आपके पीछे से एक स्ट्रिप ली जाती थी और उसके बाद एक एक बार ले के आगे लगाया जाता था। दोनों में ग्राफ्ट लेने का डिफरेंस है, लगाने का कोई डिफरेंस नहीं है। FUT में आपका प्रोसीजर जो है वो ड्यूरेशन उसका कम होता है लेकिन पेनफुल काफ़ी ज़्यादा होता है। FUE में आपका प्रोसीजर जो है पेनलेस होता है, कोई स्कार नहीं होता और आप मल्टीपल सेशन कर सकते हैं और उसमें रिकवरी टाइम आपका शॉर्ट होता है और उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द FUT। FUE जो है वो बेसिकली एक पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती। पोस्ट ऑप आपको जो केयर चाहिए होती है, क्योंकि आपने सीधा लेटना होता है फॉर 5 to 7 डेज के लिए। हेड वॉश करने का प्रॉपर तरीका होता है, आपने वो वॉश करना होता है। इसके बाद आपने जो है अपने ऑफिस में, आप इवन सेकेंड डे आप ऑफ द प्रोसीजर आप ऑफिस जा सकते हैं, कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। आपने ओरल पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करने होते हैं। FUE जो कि एक लेटेस्ट टेक्निक है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम इसमें मल्टीपल सेशंस कर सकते हैं। वो हज़रात जिनका डोनर एरिया एक एवरेज है और उनका रेसिपिएंट एरिया बहुत ज़्यादा है, उनको फिर मल्टीपल सेशन चाहिए होते हैं, 2-3 सेशन चाहिए होते हैं, तो इसमें हम मल्टीपल सेशन कर सकते हैं। लेकिन एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में एटलीस्ट आपका जो गैप है 8 to 10 मंथ्स का होना ज़रूरी है। किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है। FUE जो है इसकी भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो बाद में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर हमने जो ड्रग यूज़ किया है उसकी एलर्जी हो सकती है, वो आपको पहले से बताना ज़रूरी है। और उसके लिए पहले कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, वो सारे करने ज़रूरी होते हैं, उसके बाद ही हम प्रोसीजर को आगे लेके चलते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है आपके रेसिपिएंट एरिया पे, कि कितना एरिया आप और कितना डेंस कवर करना चाह रहे हैं, और नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स पे। जितने ज़्यादा ग्राफ्ट्स आपके डेंस लगेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें आपका एरिया मैटर नहीं करता कि आपने ग्राफ्ट लगा के कितना एरिया कवर किया है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका जो एरिया कवर किया है उसमें ग्राफ्ट कितने डेंस लगे हुए हैं, जो कि आपको बाद में रिजल्ट का बताते हैं। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको जो रिजल्ट आना शुरू होते हैं वो तीसरे महीने में स्टार्ट होते हैं और 7 to 8 मंथ्स लग जाते हैं आपको 100% रिजल्ट्स आने में। इस दौरान आपको इंतज़ार ही करना होता है और कुछ दवाइयाँ वगैरह होती हैं, मल्टीविटामिन्स, सिर्फ वो यूज़ करनी होती हैं। आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं PRP, जो कि हेयर फॉल के लिए यूज़ होता है। बहुत से लोग मिसकंसेप्शन ले ये ले जाते हैं कि PRP जो है वो बाल्डनेस का जो है इलाज है। PRP बेसिकली हेयर फॉलनेस का इलाज है। इसकी एग्जांपल ऐसी ही है जिस तरह आपका कोई फील्ड है और आप उसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। अगर वहाँ पे पहले से कोई फसल है, आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर वहाँ फसल ही नहीं है तो और आप उसमें फर्टिलाइज़र डालते रहें तो फ़ायदा नहीं होना। इसलिए आपके अपने पहले से बाल होना ज़रूरी है। जहाँ पर आपकी बाल्डनेस है वहाँ पर PRP का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड प्लास्टिक सर्जन से आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्ट करें। अगर आप मुझसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं तो आप मरहम के पोर्टल से मेरे प्रोफाइल के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।